So good morning, students. Good morning, sir. Sir, good morning, sir. Good morning, sir. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Now, beta, again the request. Now again the same request. First of all, the device names. Make sure that it is your name. आपके जो डिवाइस के नेम जो मुझे नेम जो शो हो रहे हैं ना वो बेटा अलग अलग शो हो रहे हैं प्लीज उनको चेंज करके आप अपना नाम डाल दो नीलेश यू ऑल्सो बेटा जस्ट रीनेम योर डिवाइस और एलेक्स गेमिंग किसका है ये डिवाइस नाम बदलो बेटा सर मेरा सॉरी सर तो इसमें बेटा नेम चेंज कर लो ना
इसमें नीचे देखो आपके मोबाइल में नीचे पार्टिसिपेंट्स की स्क्रीन होगी। हाँ सर। पार्टिसिपेंट्स की स्क्रीन पे जाओ और अपना जो आपका डिवाइस है ना उस पे मोर देखो। हाँ सर। उस पे मोर होगा, मोर जैसे ही करोगे वहां पे रीनेम आएगा, तो वहां अपना नाम डाल दो। And there is one more device, Galaxy J5 Prime. बेटा आप भी अपना नेम चेंज कर दो। नेम स्टूडेंट आपके रहेंगे ना तो मुझे अटेंडेंस लेने में इजी हो जाएगा। It will be easy for me to take your attendance. So I think today these are the participants, those who are there. So shall we begin? Any class? Sir. Okay then, quickly, can anyone send me the details that what we had done in the previous class? चैट करके मुझे बता दो कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से टॉपिक्स थे या क्या क्या नाम दिए गए थे। और इफ यू वांट यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट। टाइपिंग में अगर आपको टाइम लग रहा है अनम्यूट एंड स्पीक आउट। व्हाट वर द टॉपिक्स व्हिच वी हैड डन इन द प्रीवियस क्लास? No one? कुछ तो याद होगा ना बेटा, हमने क्या पढ़ा था पिछली बार, क्या रिवीजन की थी? टाइप्स ऑफ नंबर्स, कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे बताएगा कोई? Nobody? This is bad, beta. Sir, can you repeat? Khushbu, it's not clear. I am asking you, what were the different topics which we had discussed in the previous class? Okay, anyway, let me repeat for you all. We had done types of numbers, where we had discussed natural numbers, then we had whole numbers, we did about integers, and a few relations I had told that integers cannot be called as whole numbers and they cannot be called as natural numbers, but natural numbers can be called as whole numbers and natural numbers can also be called as integers, because when we say integers, integers are the positive and negative natural numbers including zero. So these are integers. Now in this, if you see, if you take zero, it is a whole number. If you take one, this is both whole and natural number. Two, this is also both whole and natural number. So natural numbers and the whole numbers, they are included in integers. ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? Integers में आते हैं.
अब जैसे सपोज करो हम एक बैग लेते हैं जिसमें जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हम डाल देते हैं। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वन से स्टार्ट होने वाले काउंटिंग नंबर्स, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। इन नेचुरल नंबर्स के साथ में अगर आप नंबर जीरो ऐड कर देते हो और इन दोनों को अगर हम एक अलग से फिर एक बॉक्स में या बैग में फिट कर दें तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। दीज विल बी कॉल्ड एज होल नंबर। जितने होल नंबर्स हैं उनमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ गए और साथ में क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा जीरो और आ गया। अब अगर हम इन नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स को यानी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको भी अगर हम लेके इन सब को कंबाइन कर दें इकट्ठा कर दें तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? These all become integers. Integers. तो इस फिगर को अगर आप याद रखते हो यू कैन इजिली से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स दे आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये सब के सब जो है इंटीजर्स बन जाते हैं। लेकिन ऑपोजिट नहीं होगा। अगर आपको ये कहा जाए कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, अगर आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाए देन दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। व्हाई फॉल्स? बिकॉज इंटीजर्स में क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं और जबकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। सो दिस वॉज वॉट वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। Now today we will study a new type of number, that is rational numbers. Now rational numbers, these are those numbers which can be written in the form P upon Q। क्योंकि जब हम numbers लिखते हैं तो numbers में आपको पता है कि 1 upon 2 भी आता है, 5 upon 7 भी होता है, इसी को आप minus 5 upon 8 भी लिख सकते हो। सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स, अब इनको ना तो हमने नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड किया, ना होल नंबर्स में और ना ही इंटीजर्स में। सो दीज आर न्यू टाइप ऑफ नंबर्स। सो ऑल नंबर्स, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या कहलाते हैं? क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड क्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए रैशनल नंबर्स। इफ यू आर हैविंग योर नोटबुक्स यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस डेफिनेशन। Those numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to zero. So quickly note it down. Hello. No, no, no.
So note it down. Yes, sir. Yes, sir. Now listen. अब आप देखो इसमें. Why I say that P and Q are integers? अब P और Q जो है उनको integers कहा गया है. क्यों? When you write a number in the form P upon Q, यानी एक तरह से ये fractions हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं. P stands for numerator. Q stands for denominator. अब यहां ये जो numerator है और denominator है, these can be integers. मतलब अब जैसे example देखो, 1/2. 1 is an integer, 2 is a integer. So 1/2 is in the form P upon Q. Same 5 and 7, ये भी दोनों क्या है? Positive integers. -5/8, if you see, this is also an integer. -5 is a negative integer, whereas 8 is a positive integer. Second condition is that Q is not equal to 0. Now, why Q is not equal to 0? क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है, जब हम fractions में लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो हम कभी भी कोई नंबर ऐसा नहीं लिखते हैं 5/0. वी नेवर राइट अ नंबर लाइक दिस. और अगर ये नहीं तो आपको डिवीजन में बताया गया होगा कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. डज नॉट एग्जिस्ट, या हम इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड. So we cannot divide any number by zero, and this is the reason why we cannot write a number in the form P upon zero. So this condition is there that Q should never be zero. Q जो है वो कोई भी integer हो सकता है, लेकिन zero नहीं होता. Now here अभी जो मैंने figure बनाई थी boxes में natural numbers और वो सब डाल के, उनको अगर हम देखें तो यू हैव रैशनल नंबर्स एट द टॉप. रैशनल नंबर्स हमारे पास सबसे ऊपर है. रैशनल नंबर्स में क्या इंक्लूड हो जाता है? इंटीजर्स. जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक -5 इज अ इंटीजर. अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू. व्हेन यू कैन राइट अ नंबर इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, देन दिस -5 कैन बी रिटन एज -5/1. नाउ दिस इज इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू. अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, जहां पे क्यू क्या है? 1. So all the integers they are included in rational numbers. यानी जितने भी integers हैं वो सबके सब क्या कहलाएंगे? Rational numbers. और integers में क्या include है? Whole numbers. जितने भी integers हैं उनमें क्या है? Whole numbers. तो इसलिए whole numbers जो हैं वो भी क्या हो गए? Rational numbers. Then all the natural numbers are included in whole numbers. Whole numbers में सारे natural numbers आते हैं. So natural numbers are also integers. Ravinder, you raised your hand. If you are having any doubt, just unmute and tell me. Ravinder,
या सिर्फ चेक कर रहे थे कि क्या होता है? बेटा डोंट डू दैट, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नंबर्स. हालांकि इनके बाद भी अलग से और नंबर आते हैं, लेकिन आपको यहीं तक करना है. सो एट फर्स्ट यू हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, एंड नाउ यू हैव रैशनल नंबर्स. इफ यू रिमेंबर वी हैव डन सम प्रॉपर्टीज ऑल्सो, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने की थी, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई बता सकता है? यस सर. व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी इफ यू रिमेंबर? क्लोजर प्रॉपर्टी सभी टाइप ऑफ नंबर्स में अप्लाई होती है, वेदर इट इज नेचुरल, वेदर इट इज होल नंबर, वेदर इट इज इंटीजर्स. ये जेड जो है ना, ये एन, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर्स, एंड जेड स्टैंड फॉर इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं. सो क्लोजर प्रॉपर्टी स्टैंड देयर फॉर ऑल. So what is a closure property? Closure property, if we talk about for addition, if it is for addition, now let us take for two natural numbers. If you add two natural numbers, you will always get a natural number. So the closure property for addition of natural numbers says that if we add two natural numbers, then we always get a natural number. जब हम किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को, यू कैन राइट हियर एनी टू नेचुरल नंबर्स, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स अगर हम ऐड करते हैं, देन वी विल ऑलवेज गेट अ नेचुरल नंबर ओनली. और ये सिर्फ टू और थ्री के साथ नहीं है, यू कैन टेक एनी टू नेचुरल नंबर्स. इवन इफ यू टेक 11, दिस इज अ नेचुरल नंबर. इफ यू ऐड 15 टू इट, यू गेट 26. Now 11 is natural, 15 is natural, and 26 is also natural. So इसका क्या मतलब हुआ, क्या रिजल्ट है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर्स अगर हम ऐड करते हैं, तो इसका मतलब हमें हमेशा रिजल्ट में क्या आएगा, उनका सम जो होगा वो क्या होगा, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा. द सेम इज विथ होल नंबर्स. इफ यू एड एनी टू होल नंबर इंस्टेड ऑफ नेचुरल, जस्ट से देयर होल नंबर्स. If it is whole number, then also you will always get a whole number only. Number. Now, for example, if you take natural or whole numbers, mein difference kya hai? Sirf ek zero ka. So, ek hum whole number lete hain zero. Second whole number, let us say take four. The sum is four. Now, zero is a whole number. Four is a whole number, and the result जो इनका सम आता है 4, that is again a whole number. And what about integers then? Integers में क्या होगा फिर? If you take for integers, will the result be same or not? That if you add any two integers, then will you get always an integer? Yes, sir. Can you give any one of you an example? Any example? Mm.
-3 + 5. -3 + 5 equals to what? It is equal to, integers you have done 2 + 2. So -3 + 5 equals to 2. -3 a negative integer, 5 a positive integer, and 2 again a positive integer. तो आपने देखा कि कोई भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? इंटीजर आता है. इफ यू आर एडिंग एनी टू होल नंबर्स देन आवर रिजल्ट इज अ होल नंबर. इफ यू आर एडिंग एनी टू नेचुरल नंबर्स देन अगेन वी गेट अ नेचुरल नंबर. अच्छा, अभी ये हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स के अंडर में लिए, चाहे होल नंबर्स के अंडर में लिए, या इंटीजर्स के अंडर में लिए, ये सारे टाइप ऑफ नंबर्स क्या कहलाते हैं? दीज ऑल आर रैशनल और नॉट? यस, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स है ना. जब ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑन रैशनल नंबर्स क्या बनेगी? दैट इफ यू एड any two rational numbers we always get a rational number. जब कभी हम दो rational numbers को add करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? एक rational number ही मिलेगा. Got it? So this is the property which we have discussed today. That is, which is the property? Closure property. Yes, and this closure property we have discussed under the operation addition. ये हमने किसके अंडर डिस्कस किया है? Addition के लिए डिस्कस किया है. अब क्लोजर प्रॉपर्टी इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी आता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, और डिवीजन में भी होता है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं. कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, विल यू गेट ए नेचुरल नंबर होंगे? जल्दी से बताओ. नो सर. नो सर. इफ नो देन गिव मी एन एग्जांपल क्विकली. 3 - 3. तो बेटा यहाँ तो एक ही नंबर हो गया, ये सेम नंबर है. टेक एनी टू डिफरेंट नंबर्स. हालांकि आपका ये कहना सही है कि यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, बट गिव मी टू डिफरेंट नंबर्स. टू माइनस फाइव. इफ यू डू 2 - 5 यू गेट -3. अब 2 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, बट द रिजल्ट विच यू आर गेटिंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई होती है या नहीं होती है? नहीं होती है. तो हम क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर्स. Natural numbers are not closed under subtraction. Subtraction. Natural numbers जो है वो subtraction में closed नहीं होते. Closed नहीं होने का मतलब यही है
कि जब हम दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी डोंट गेट अ नेचुरल नंबर इन द रिजल्ट. अब कैन दिस बी एन एग्जांपल फॉर होल नंबर आल्सो? क्या हम इसी को होल नंबर के लिए एग्जांपल ले सकते हैं? सर 5 माइनस 10. नहीं 5 माइनस 10 तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ इसी को ले सकते हैं या नहीं ले सकते एग्जांपल होल नंबर्स में? ले सकते हैं. और वरना आपने जो बताया 5 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 5, ये भी होल नंबर्स के लिए एग्जांपल है. तो होल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है? नहीं होती. सर होती है. नहीं होती है बेटा. 5 होल नंबर है, 10 होल नंबर है, लेकिन माइनस 5 ये होल नंबर नहीं है. तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. तो होल नंबर्स जो है वो भी सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होते हैं. नाउ व्हाट अबाउट इंटीजर्स? इंटीजर्स के लिए क्या कहोगे? इंटीजर्स में होते हैं बिकॉज यू कैन टेक द सेम एग्जाम्पल. 5 इज एन इंटीजर, 10 इज एन इंटीजर एंड -5 इज ऑल्सो एन इंटीजर. इंटीजर. सो हियर वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. तो होल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दे आर नॉट क्लोज्ड व्हेयरएज इंटीजर्स आर क्लोज्ड. और यही स्टेटमेंट्स अगर हम एडिशन के लिए लिखते तो क्या बनता हमारे स्टेटमेंट्स? क्या क्या होते हमारे स्टेटमेंट्स? ये होते नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एडिशन बेटा. एंड इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. So this is for addition and this is for your subtraction. Subtraction. अब इसके बाद दो चीजें और बची, दो ऑपरेशंस और हैं. That is multiplication and division. तो जैसे मैंने आपको ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बताया है वैसे ये दोनों आप करके तैयार रखना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये आपको करनी है, आपको मुझे भेजना नहीं है. यू जस्ट डू इट एंड कीप इट योरसेल्फ. नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास में मिलेंगे तब मैं आपसे पूछ लूंगा. क्लियर विद दिस? सो होप सो दैट today's things they were clear to you all. Yes sir. So I think yes, sir. The way we are doing it, jis tarah se hum kar rahe hain wo jo hai part sahi chal raha hai. Or you are facing still any issues? Yes sir. Hai koi problems abhi bhi? No sir. No na? Yes sir. If you have yes, then just let me know. Otherwise, day by day, we will keep on improving. चीजें जो हैं और अच्छी होती जाएंगी. So take care, have a nice day, and get ready for your second class, which is just after an hour, yes, half an hour. Okay? Yes, sir. So see yes, you in the next sir. Class, beta. Bye, all of you. Bye, yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.